नमस्कार, मैं हूं अक्षय पासवान और मेरे साथ बात करने के लिए इंडिया गठबंधन राजद के बक्सर के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जी। सर, बक्सर में जो चर्चाएं का दौर चल रहा है, बताया जा रहा है कि सुधाकर सिंह जी अपने पिता के पृष्ठभूमि पर सिर्फ चल रहे हैं। वो जो कहा होगा आदमी, वो इस मामले में वो पार्टी का विरोधी रहा होगा। हमारी पृष्ठभूमि, पिता की पृष्ठभूमि, हमारी पार्टी की पृष्ठभूमि काम करने वालों लोग की है। मैं स्वयं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने इस बात को साबित भी किया। और हम तो उनसे, उन लोगों से आगे जाकर के जो नीतीश कुमार के सामने सभी लोग नतमस्तक रहे, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम लोग, उनसे हमने सवाल किया आँख से आँख मिला करके। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि आपको है बिहार में दिखता कि जो नीतीश कुमार से सवाल किया हो, जब देश का प्रधानमंत्री सष्टांग उनके सामने, तो बाकी लोग का क्या हैसियत है? तो ये जो लोग कह रहे हैं वो ईर्ष्या से कह रहे होंगे लोग। सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं लगातार रहते हैं, लेकिन बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आज निर्दल प्रत्याशियों का भी नामांकन होने जा रहे हैं, आनंद मिश्रा IPS और ददन पहलवान का। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है चुनाव लड़ने का, एक से एक धरती पकड़ चुनाव लड़ते रहे हैं, दो दो तीन तीन सौ चुनाव लड़ा लोगों ने गिनीज बुक में नाम लिखाने के लिए। इस तरह से लड़ेंगे लोग, अच्छा लगता है, लड़ने वालों की संख्या अच्छी रहेगी। तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कितना असर दिखेगा 2024 लोकसभा चुनाव में? अभी निश्चित तौर पर इस देश में असर दिख रहा है। आज NDA भाजपा घबराई हुई है और वो बहुमत से दूर रहेंगे लोग, और बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है बिहार और भारत की राजनीति में। आप इसका आकलन दिखेगा आपको 1 जून के बाद। मिथिलेश तिवारी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, लगातार बक्सर में भ्रमण कर रहे हैं, उनका विरोध भी हो रहा है जगह जगह पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया बक्सर के लिए, शाहबाद के लिए, तो नाराजगी आम जन में भी है, यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ता और मतदाता समूह में भी इस बात का नाराजगी है। सबसे बड़ा है कि नेतृत्वहीन हो गया शाहबाद, ये ना सांस्कृतिक, ना भौगोलिक, ना सामाजिक रूप से यहाँ कोई संपर्क नहीं है उन लोग का, वो इसीलिए उनका विरोध स्वाभाविक है, होगा ही। अश्विनी कुमार चौबे कहते हैं कि हमने बक्सर में बहुत विकास किया, बहुत विकास किया, और आप कहते हैं कि सिर्फ एक शौचालय का उन्होंने उद्घाटन किया। ये तो जग जाहिर है, जो विकास किए हैं वो बता दें, लिस्ट निकाल करके मैंने फला काम किया, तो हम लोग भी देख लेंगे और मीडिया के बंधु भी देख लेंगे। लेकिन मिथिलेश तिवारी बोल रहे हैं कि हम बक्सर को बनारस बक्सर को बनारस बना देंगे, और अश्विनी चौबे कर रहे हैं कि हमने बक्सर का बहुत विकास किया, इतना विकास कर दिया कि आने वाले समय में देखेगा लोग। अब एक काल्पनिक बातें जो मिथिलेश तिवारी कर रहे हैं और जो अश्विनी चौबे ने की जो कारगुजारियाँ हैं वो जनता के बीच में हैं, जनता अब तय करेगी कि कौन क्या किया है। और देख ही रहे हैं कि भारी विरोध हो रहा है। तो आपसे ये तो सुधाकर सिंह जी, तो आपने देखा कि जिस तरीके से बक्सर लोकसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।